हज उमरा और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत का अगर है अरमान तो दिल में रखिए इत्मीनान, क्योंकि आपके अपने शहर में है ज़ीशान। जी हाँ, ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स लाए हैं खुसूसी उमरा पैकेजेस। उमरा के मुकद्दस सफ़र को सहूलत बख्श और यादगार बनाने के लिए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स बेहतर से बेहतर इंतजाम करता है। तो फिर ज़रूर तशरीफ़ लाइए ज़ीशान टूर एंड ट्रैवल्स, इनायत कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर बिसाइड मोती मस्जिद, टिपू सुल्तान रोड, रायचूर, या फिर फ़ोन पर रब्ता कीजिए 9035038 पर भी आप रद्द कर सकते हैं। नादरी नादा बी टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। शहर के आशरा कॉलोनी में मस्जिद यासीन के अकब में वाक़ सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा यानी गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के SDMC और वहां के तलबा के सरपरस्त यानी वालदेन और अवलियाई तलबा ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर और ज़िला पंचायत CEO को मेमोरेंडम पेश करते हुए इस स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि स्कूल में ना कंपाउंड है, ना बैतुल खला है, ना ही बिसीउटा की तामीर के लिए कमरा है, ना ही तदरीसी अशिया मौजूद है। लिहाजा इस स्कूल में फौरन बुनियादी सहूलियात जैसे कंपाउंड वाल की तामीर, बैतुल खला की तामीर, बिसीउटा के बावर्ची खाने की तामीर फौरन अमल में लाई जाए। साथ ही साथ तदरीसी अशिया जैसे कि बेंच, डेस्क वगैरह और दीगर जो सामान हैं वो फौरन मुहैया कराए जाएँ। दोनों अहदेदारों ने SDMC कमेटी और अवलियाए तलबा को तयखुन दिया कि जल्द अज जल्द उनके मसाइल की एकसोई की जाएगी। शीति व्यवस्था स्टाक कोणे सह इद्रीन अड़गे तुंदे शाला मैदान कंपौंड कारण तरगति कोणियों सुस्थिय उल्ला मकलिए कूड़ू असनाद व्यवस्थे पीठोपकरण डेस्क आवश्यकता दयालुगळाद तावुगळु मक्कळ ओळितगागि ई मूलभूत अवकाशगळन्नु ओदगिसि सहकरिसबेकागि विनंती कोळ्ळुत्तेवे। धन्यवादगळु। अस्सलामु अलैकुम। ये 28 वार्ड उर्दू स्कूल है। इससे पहले भी हमें A1 TV के जरिए से आवाम को हमारे जो लोकल CDMLA और हमारे रवि खोसा साहब और हमारे आप हमें आए थे DC ऑफिस एक नमडम देने के लिए। क्यों बोले तो वहाँ स्कूल बन के 15 से 20 साल हुआ। वो जनता क्वार्टर से एक ऐसा इलाका है, ये रायचूर सिटी में आता है कि देहातों में आता, यहाँ लोकल MLA को यहाँ बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको तक नहीं मालूम है, और जो ऑफिसर है वो एरिया में आना पसंद नहीं करते। वहाँ जो मजदूरी काम करने वाले, कूली काम करने वाले, एक ऑटो चलाने वाले, वो जो वहाँ गुजर बसर करते हैं। आज वहाँ का स्कूल का हाल ऐसा है, वो सुबह शाम में 4:30 से 5 बजे तक पूरा स्कूल पूरा ग्लास से भर गया रहता। कोई दारू शीशे के बटला फोड़ देता, कोई गुटखा गिटका खा के वहाँ थूक देता। इससे पहले बहुत हमें ये करे, मैं यहाँ ये ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आओ हमारे रायचूर सिटी का है, वो सिटी का मसला जो तालीम हासिल कर रहे बच्चे, एक उर्दू स्कूल का ये है, वो वहाँ बेंचेस नहीं है, रूम नहीं है, कंपाउंड नहीं है, और क्या बाथरूम नहीं है, ऐसे स्मार्ट क्लास नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत है। वो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वहाँ आको एक ऑफिसर भी ज़रा इंटरेस्ट ले को आको देखने वास्ते नहीं हो रहा। आज हमें DC ऑफिस के पास आए, ये आने का मकसद ये है, ये 15-20 दिन का हमें टाइम देते हमारे साहब DC साहब को, 15-20 दिन के अंदर कौन है स्कूल के इंचार्ज है, वहाँ आके वो स्कूल का इंचार्ज इंक्वायरी करें दे, इससे ये करें दे। अब उसके बाद क्या है वो, तो वो स्कूल का जल्द से जल्द टेबल, स्मार्ट क्लास, बेंच, वो सब बच्चों को उनका हक है, उनका हक उनको दिया था नहीं, बच्चों का एजुकेशन अच्छा रहता। वो एजुकेशन हमारे MLA साहब के बच्चे रहते, DC साहब के बच्चे रहते, बड़े बड़े अहदे पे है, एक गरीब आदमी का उसके जब गवर्नमेंट में बच्चा पढ़ा रहा तो उसका हमारा भी हक बनता, उसका हक दिलाना बोल के। वो बच्चा IAS नहीं बनना क्या, वो बच्चा IPS नहीं बनना क्या, वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना क्या, वो बच्चा इंजीनियर नहीं बनना क्या, क्या मजदूर का आदमी क्या मजदूरी कर रहा उन्हें, क्या आपके घर में बर्तन मांझना, क्या कूली काम करना। हमारी भी ख्वाहिश है हमारा बच्चा डॉक्टर बने दे, हमारा बच्चा इंजीनियर बने दे, हमारा बच्चा अच्छे अखलाक का पहुँचे दे। मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे जिम्मेदार लीडर है, जो हमारे ऑफिसर है, वो आपको हमारा 28 उर्दू स्कूल जो यासीन मस्जिद के बाजू है, वो आपको ये जरा ये करें दे। हम सब बच्चों के पेरेंट्स हैं। यहाँ आने की वजह ये है कि हमारे बच्चों को सही तालीम के लिए टीचर्स होना और बेंच होना, कंपाउंड होना, कंपाउंड नहीं है, एक बाथरूम में लाइन लगा के खड़े होते हैं बच्चे सब। और उसकी वजह ये भी है कि वहाँ से बहुत बार एप्लीकेशन भेजे हमारे मैडम, लेकिन यहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, इसीलिए हमें कदम उठाना पड़ा कि यहाँ तक आना पड़ा। आप नज़र कीजिए वहाँ पर,
सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, हमारा स्कूल बेस्ट होना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, हमारा बस यही है, यही आरजू है, यही इल्तिजा है। और 2021 में बना था स्कूल, वैसी जैसा बना वैसे ही है, उससे भी बुरी हालत है स्कूल की। आप एक बार आकर वहाँ चेक कीजिए, देखिए शौचालय, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं, शौचालय बहुत बुरा है वहाँ का, शौचालय सही कीजिए, नालियाँ गंदे हैं। आज मेरी बच्ची खुद गिरी वहाँ पे नाली में, मैं उठा के घर को वापस भेज के आई बोलने के लिए सब। ठीक, मान्य जिलाधिकारी ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ ಬಿ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, 200 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕುಸಿದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾವುಗಳು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ತಾವು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹತ್ತತ್ರ ಇರೋದು ವಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳು 28 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು, 6,000 ಚಿಲ್ಡ್ರ ಲೀಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ರೂಮ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತೂ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ.